हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो शूट किया है। ये 2-3 दिन का वीडियो है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया था आप लोगों के लिए। तो बस आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और ये रस्म किस किस के यहाँ होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारे यहाँ चरुआ रखा जा रहा है, तो बस ये रस्म हमारे यहाँ होती है। और किस किस के यहाँ होती है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वाली जो रेड और येलो साड़ी पहनी हुई हैं वो मेरी सासू माँ जी हैं। और जो रेड और येलो और सेकंड नंबर पे बैठी हुई हैं वो मम्मी जी हैं। और जो सूट पहने हुए हैं और येलो और रेड चुन्नी डाले हुए हैं वो हैं हमारी आंटी जी। और ये हमारी दीदी हैं जो हमारे घर पे काम करती हैं। तो बस यही लोग थे। ये भी हमारे यहाँ रसम होती है। तो हमारी मिस्टी से कहा गया था कि पीठ पे गुड़ की बट्टी फोड़ी जाएगी, तो मिस्टी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दुखी थी कि हमारी मेरी पीठ तोड़ी जाएगी।
और ये ना मैं आपसे कह रही हूँ, ये ना 3-4 दिन का वीडियो है, 3-4 दिन का शूट किया हुआ वीडियो है, तो बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिपें थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। ये हमारे यहाँ छठी वाला जो दिन होता है ना, तो उसकी मैंने क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो हमारे यहाँ जो जिसपे हम लोग लेटे होते हैं, जो स्वर होता है, जो जिसपे हम लोग खाट पर लेटे होते हैं, तो उसका पूजन किया जाता है। और जो दूध और चावल से कुछ इस तरीके का बस होता है, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है, तो बस इस तरीके से करवाया गया था। और बहुत सारी वीडियो बनाना मिस हो गए क्योंकि मैं लेटी हुई थी, तो कौन वीडियो बनाता, मैं ही बनाती हूँ वीडियो, तो बहुत सारे वीडियो ना मिस हो गए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएंगे वो हम डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा मैंने ये बनाया हुआ था, वो काफ़ी दिन से तो वीडियो बनाया ही नहीं है मैंने। और मेरे वीडियो ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छे लगते हैं ना तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो फ्रेंड। और बस थोड़ी थोड़ा सा सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ वीडियो, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता, कहीं रोने लगता है, कहीं सूसू, कहीं पॉटी, तो सारा टाइम इनका काम लगा रहता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, हेल्प करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो कि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ।